आप सभी का आज के इस टॉपिक में स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे नो सुनो देन का कंजक्शन। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि नो सुनो देन का जो प्रयोग है इंग्लिश स्पोकन में बहुत ज्यादा काम आता है और साथ ही साथ और ये टॉपिक 10-12 के एग्जामिनेशंस में कॉम्पिटेटिव जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें सभी में पूछा जाता है और इसके साथ ही साथ ये प्रयोग इंग्लिश बोलने में भी बहुत जरूरी है। तो देखते हैं नो सुनो देन का प्रयोग डिटेल में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को। अब हम स्टार्ट करेंगे नो सुनो देन का प्रयोग। नो सुनो देन का मतलब होता है जैसे ही नहीं। ये जो नो सुनो देन का प्रयोग है ये नेगेटिव सेंटेंसेस में प्रयोग किया जाता है। इसका जो सेंस निकलता है वो नेगेटिव होता है। जैसे नो सुनर डज अ टीचर कम देन बॉयज स्टैंड अप, तो इसका हिंदी अर्थ रहेगा टीचर के आते ही लड़के खड़े हो जाते हैं। या आप कह सकते हो टीचर आए ही नहीं कि लड़के खड़े हो जाते हैं। इस तरह से भी हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। नो सुनर डू टीचर्स कम देन बॉयज स्टैंड अप, इसका अर्थ रहेगा जैसे ही शिक्षक आते हैं लड़के खड़े हो जाते हैं। इसे दूसरे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि इसको बोल सकते हैं शिक्षक आए नहीं कि लड़के खड़े हो जाते हैं। ये दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। यहां पर डज इसलिए लगा क्योंकि ये टीचर सिंगुलर है और यहाँ टीचर्स ये प्लूरल है मतलब बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर डू का हमने प्रयोग किया। अब हम देखते हैं नो सुनर देन का पास्ट में यूज किस प्रकार करेंगे। नो सुनर डिड अ टीचर कम देन बॉयज स्टूड अप, इसका अर्थ होता है जैसे ही शिक्षक आए लड़के खड़े हो गए। और हम इसे दूसरे सेंस में ऐसा बोल सकते हैं शिक्षक आए ही नहीं कि लड़के खड़े हो गए। दोनों का अर्थ एक ही होता है। क्या आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सेंटेंस ग्रामर में एग्जामिनेशंस में कैसे पूछा जाता है। जैसे 10th और 12th या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये अगर आ जाए तो आप कैसे से सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला हमने एग्जाम्पल लिखा टीचर कम बॉयज स्टैंड अप। ये पहला जो सेंटेंस है ये हमने पहले एग्जाम्पल से लिया हुआ है टीचर कम बॉयज स्टैंड अप। ये दो सेंटेंस अलग अलग हैं। अब वहां आपसे बोला जाता है परीक्षा में कि आप इसको जोड़िए नो सुनो देन लगा। और जब हम इसे जोड़ेंगे तो टीचर कम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है सिंपल का। और जब हम इसमें नेगेटिव लगाते हैं तो इसमें लगेगा डज नो। लेकिन हमारे पास जो जोड़ने के लिए प्रयोग है वो है नो सुनो देन, इसलिए यहाँ पर नो सुनो लगाया और ये टीचर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हमने डज लगाया। नो सुनो डज अ टीचर कम और आगे देन के बाद में बॉयज स्टैंड अप जो दूसरा सेंटेंस है सेम का सेम हमने लिख दिया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं टीचर्स कम ये हमारा प्लूरल बॉयज स्टैंड अप, टीचर आते हैं और लड़के खड़े हो जाते हैं। इसमें जब हमने नो सुनर देन जोड़ा तो यहां पर हो गया नो सुनर डू टीचर्स। यहां पर डू इसलिए लगा क्योंकि टीचर्स जो है वो एक प्लूरल है बहुवचन है और बहुवचन में डू लगता है जैसे आई यू दे एंड प्लूरल के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू का प्रयोग होता है। इसलिए यहां पर लगा नो सुनर डू टीचर्स कम और आगे वाला सेंटेंस सेम का सेम है। और अब देखेंगे पास्ट में तो टीचर केम शिक्षक आए बॉय स्टूड अप लड़के खड़े हो गए, ये भी सेकंड फॉर्म है और यहाँ पर ये भी सेकंड फॉर्म है। जब इसे हम जोड़ेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें लगता है डिड का प्रयोग, इसलिए यहाँ पर नो सुनर डिड अ टीचर हमने लगा दिया नो सुनर डिड अ टीचर कम देन बॉयज स्टूड अप। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि डज हो डू हो या डिड हो इसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। तो इस तरह से आप इंग्लिश स्पोकन में यूज कर सकते हो और ग्रामर चाहो तो आप ग्रामर भी इस तरह से आप सीख सकते हो। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।